हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फैशन लॉगिफाई विद प्रियंका। तो आज के वीडियो में मैं आपको अपनी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाऊंगी। और जैसे कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हमेशा से मेरी फेवरेट रही है, आपने मेरे कितने ही वीडियोस में देखा होगा कि मैंने ज़्यादातर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ही कैरी की है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे पास जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के कलेक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो जो सबसे पहला सेट है वो इयररिंग और नेकलेस का सेट है, और इसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी प्लेटफॉर्म से इसे परचेस किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी पुराना सेट है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने अपनी कई वीडियोस में इसको कैरी किया होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये इसका नेकलेस है, ये इसका नेकलेस है, और ये काफ़ी लॉन्ग नेकलेस है। और जनरली मुझे लॉन्ग वाले जो नेकलेस है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक चेन और एक सिंपल सा पेंडेंट मुझे बहुत पसंद आता है हमेशा। और इसके मैचिंग में इसकी इयररिंग्स है, ये इसके मैचिंग की इयररिंग्स है। तो ये सेट होगा। दूसरा सेट जो मेरे पास ज्वेलरी का है वो मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। तो ज़्यादातर जब ज्वेलरी में मेरे पास गिफ्ट्स आते हैं तो ऐसे ही गिफ्ट्स आते हैं। तो ये इसके इसमें बैंगल, इयररिंग्स और चोकर का सेट है, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैंने इसे एक बार भी कैरी नहीं किया, जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम ज़रूर कैरी करूँगी। और ये इसका इयररिंग है, मैजेंटा और ऑरेंज के बीट्स लगे हुए हैं, और इसमें ये इयररिंग्स हैं, ये इसकी ब्रेसलेट है, और ये इसका चोकर है। जो तीसरा सेट है मेरे पास वो ये सेट है, ये भी मैचिंग के इयररिंग्स मैंने लिए हुए हैं, इसके बाद जो सेट है ये लेयर चेन का सेट है, और ये एक ऐसा नेक पीस है ना, इसके साथ मैचिंग का कुछ भी नहीं है, ना तो मैचिंग के इयररिंग्स है, ना तो मैचिंग के बैंगल्स है, बट ये सिंगल एक ऐसा पीस है ना जो आप इसे नेक पीस को पहन लो, आपको मैचिंग इयररिंग्स और बैंगल्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही एक बहुत ही हैवी सा पीस है, और इसकी ख़ास बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसकी ख़ास बात ये है कि इसे मैं साड़ी के साथ भी पेयर कर लेती हूँ, इसे मैं साड़ी के साथ भी पहनती हूँ, और साथ ही साथ इसे मैं डेनिम के साथ भी पहन सकती हूँ। सूट्स हैं, वन पीस हैं, कुछ भी, आप हर ड्रेस के साथ इसे मैच कर सकते हो। अब मेरे पास दो ब्रेसलेट्स हैं और ऑक्सीडाइज्ड में, ये ब्लैक बीट्स लगा हुआ एक ब्रेसलेट है, वाह, इसके साथ मेरी इयररिंग्स मैच हो रही है। और ये दूसरा ब्रेसलेट है, इसे मैं इस वाले इयररिंग्स के साथ भी पेयर कर सकती हूँ। अगर आपने इतनी हैवी ब्रेसलेट पहनी है और इयररिंग्स पहनी है तो आपको नेक पीस बहुत ज़रूरी नहीं है पहनना। इसके मैचिंग में भी एक नेक पीस है, और वो नेक पीस ये है, दिस वन। तो ये नेक पीस ना मैं इसके साथ मैच करती हूँ कभी कभी, जब मुझे बहुत कुछ हैवी पहनना होता है तो मैं इस नेक पीस के साथ इसे पेयर करती हूँ। और बेसिकली देखा जाए तो ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो बीट्स हैं,
इसमें ये बीड्स लगे हुए हैं और बीच बीच में ये क्रोशिए का लेस लगा हुआ है। इस तरीके की ये ज्वेलरी है, इसे ऑक्सीडाइज तो नहीं कहेंगे बट ये ना जो इसका लुक है ना वो ऑक्सीडाइज लुक देता है पूरा पूरा। अगर आप इसको ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ पेयर करोगे ना तो ये उन्हीं के साथ ही पेयर होती है। ये ना कुछ इस तरीके से लगती है और इसे ना मैंने किसी लोकल शॉप से नहीं परचेज किया है, इसे ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया। तो ये था मेरा कलेक्शन ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का और इसमें कुछ ज्वेलरीज अभी मिसिंग है जो मुझे परचेज करनी है और जब मैं उसको परचेज करूँगी तो मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पार्ट टू वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, अपना कलेक्शन फिर से एक बार आपके साथ शेयर करूँगी। टिल देन बाय बाय।